हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्तुति आल स्टडी में। और आज के स्टूडियो में हम आप सभी को बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी कि दशमलव का घटाव। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ले लिया है 89.6 -64.3। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे फिर सेकंड टर्म को। चलिए हम लिख लेते हैं, पहले हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 89.6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर देखिए पॉइंट के दाएं तरफ वन डिजिट है 3, पॉइंट के दाएं तरफ वन डिजिट 3 को लिख देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाएं तरफ 2 डिजिट है 64, तो हम यहाँ पर 64 को लिख देंगे पॉइंट के बाएं तरफ। अब माइनस का सिंबल लगा देंगे, अब इसे माइनस कर देंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कितना जीता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है 48.6 6.35। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसके पहले वाला आपको एग्जांपल बताया था उसे भी बहुत लोग कर ले जाते हैं, लेकिन इसे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म में पॉइंट के बाईं तरफ 2 डिजिट है 48, और सेकंड टर्म में पॉइंट के बाईं तरफ 1 डिजिट है 6, तो इसे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 48.6, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए पॉइंट के दाएं तरफ 2 डिजिट है 35, तो पॉइंट के दाएं तरफ 2 डिजिट 35 को लिख देंगे। देखिए पॉइंट के बाएं तरफ 1 डिजिट है 6, तो यहां पर पॉइंट के बाएं तरफ 1 डिजिट 6 को लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप सब्ट्रैक्शन का डेसिमल करते हैं तो जीरो जरूर लगाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। अब हम माइनस करेंगे, देखिए जीरो में से 5 माइनस होगा नहीं, तो ये 6 से 6 से 1 कैरी लेगा, ले लेगा ये जीरो, तो 6 से 1 कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जीरो है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए 6 था, 6 ने जीरो को 1 कैरी दिया तो ये 10 हो गया, अभी 6 था 1 कैरी दिया तो ये 5 हो गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही बचेगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, कितना जी था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।